सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स। क्या बोला तूने? ये हैशटैग तुमने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और भी कई जगह ट्रेंड होते हुए देख ही लिया होगा। अब इस हैशटैग का सीधा सा मतलब यही है कि स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स को भेज दो, क्योंकि नेटफ्लिक्स स्नाइडरवर्स के फैंस को उनका यूनिवर्स बना के दे देगा। और ये बस एक सिंपल सा हैशटैग नहीं है, क्योंकि कमाल की बात तो ये है कि स्वयं जैक स्नाइडर ने इस पर हुई एक पोस्ट को लाइक भी किया है। और तो और फोर्ब्स ने अपने खुद के ऑफिशियल हैंडल में ये तक पोस्ट किया है कि ये सबसे अच्छा आइडिया है। अब ज्यादातर लोग इसका मजाक बना रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है और ये आइडिया काम नहीं करेगा। वहीं जो फैंस इस हैशटैग के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइट्स भी तो WB के पास थे ना, फिर भी अमेज़न ने राइट्स लेके रिंग ऑफ पावर बनाया। या फिर जैसे नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल और डिफेंडर्स जैसे शोज भी तो बनाए हैं, जो कि MCU के इवेंट्स से पूरी तरह से अलग थे। पर फिर भी आज बात करते हैं कि क्यों ये आइडिया पूरा नहीं हो सकता। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं उन दो एग्जांपल्स की। तो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बात है, तो WB वैसे भी उन पे वर्क कर चुका था और उसका अभी फिलहाल में कोई प्लान नहीं था यूनिवर्स को छेड़ने का। और डेयरडेविल का ऐसा है कि माना मार्वल ने नेटफ्लिक्स को दे रखा था उसे बनाने के लिए, और उन्होंने कई सारे शोज बनाए भी मार्वल के लिए। पर जब MCU को जरूरत पड़ी उन कैरेक्टर्स की, तो MCU ने क्या किया, उन्होंने उन कैरेक्टर्स को वापस ले लिया और वो सारे शोज कैंसिल हो गए। तो अगर तुम DC की तरफ देखोगे, तो 10 साल की उठा पटक देखने के बाद डेविड जसला का यही मानना है कि अधूरा यूनिवर्स बनाने की जगह 10 साल का प्लान एक साथ कर लो, जो वो कर भी रहे हैं, और उनमें से कुछ हमें इसी महीने देखने को मिल भी जाएगा। तो जो स्टूडियो इतने बड़े नुकसान में है, इतने बिलियन डॉलर्स का कर्जा है उस पे, वो उसके सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सोर्स को ही बेच देगा है? बल्कि वो स्टूडियो उन कैरेक्टर्स पर 10 साल का यूनिवर्स खड़ा करेगा खुद से। वो दूसरी कंपनीज को बुला सकता है पैसे लगाने के लिए, पर एंड में वो माल तो अपने पास ही रखेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे स्नाइडरवर्स नहीं चाहिए, बल्कि मैंने परसों के लाइव में बोला भी था कि मुझे भी बेन एफ्लेक को एक बार प्रॉपर बैटमैन मूवी में देखना है और हेनरी कैविल को एक बार सुपरमैन बनते देखना है। पर नेटफ्लिक्स को सेल करने वाला आइडिया थोड़ा सा अजीब है। और कई फैंस का ये भी कहना है कि खुद का यूनिवर्स बना लो बेशक, लेकिन साथ में स्नाइडरवर्स को भी चलने दो नेटफ्लिक्स पर। तो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, हमें MCU का अभी तक कोई अल्टरनेटिव यूनिवर्स क्यों नहीं मिला? मल्टीवर्स के चलते डिज्नी चाहे तो दो दो यूनिवर्स चला सकता है, एक जहां कैप्टन और टोनी दोनों अभी जिंदा हैं। पर क्यों वो ऐसा नहीं करते? क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे जो सुपर हीरो फैंस हैं, उन्हें तो पता है कि अलग अलग यूनिवर्स में अभी कौन सी मूवीज आ रही हैं। तो हमें तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्त, मूवीज का मोस्टली पैसा कैजुअल फैंस की तरफ से आता है। कैजुअल फैंस ही होते हैं जो पैसे छाप कर देते हैं। वो 2-2.5 घंटे थिएटर में जाते हैं एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए, ना कि पूरा ये सिलेबस समझने के लिए। उनको क्या मतलब साला 616 के बारे में अलग जानो, 838 यूनिवर्स के बारे में अलग जानो, नॉर्मल आयरन मैन ये है, सुपीरियर आयरन मैन ये है, हमें भैंस किया कि UPSC का सिलेबस थोड़ी है। और नेटफ्लिक्स को स्नाइडरवर्स के राइट्स दे देने पर यही भसड़ हो जाएगी कि और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और इससे उनके स्नाइडरवर्स को फायदा हो ना हो, लेकिन आने वाले DCU को नुकसान जरूर हो जाएगा। तो बिजनेस एंगल से देखोगे तब भी ये घाटे का सौदा है। और अभी भी तुम WB की तरफ देखोगे तो बैटमैन का यूनिवर्स अलग है, जोकर का यूनिवर्स अलग है, और DCU खुद भी एक अच्छा फिट यूनिवर्स नहीं था। हाँ, कुछ मूवीज जैसे मैन ऑफ स्टील वगैरह अच्छी थी, कुछ मूवीज तो ऐसी थी कि देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो DC दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है अपने 10 साल वाले प्लान के साथ। तो तुम खुद बताओ कि वो स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स को बेच के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? कोई भी अपने सबसे बड़े सोर्स को किसी और को नहीं देगा। तुम्हारा बिजनेस अगर नाइकी के जूते बेचने का है, तो तुम किसी और कंपनी को अपने जूतों के राइट्स देकर अपना नुकसान नहीं करोगे। अब बात रही नेटफ्लिक्स की साइड की, तो जब जैक स्नाइडर को पूरा कंट्रोल मिला था, तो उन्होंने बनाई थी आर्मी ऑफ द डेड, स्नाइडर के कैरियर की दूसरी जॉम्बी फिल्म। उसकी फर्स्ट फिल्म ही एक जॉम्बी फिल्म थी, डाउन ऑफ द डेड, जो कि एक अच्छी सीरियस हॉरर जॉम्बी मूवी है। और एक कमाल की बात बताऊं, उस मूवी का राइटर है जेम्स गन। मतलब जैक स्नाइडर का करियर जेम्स गन की राइटिंग से लॉन्च हुआ था, और वो फिल्म काफी अच्छी थी। फिर उसने वॉचमैन और 300 जैसी मूवीज बनाई जो कि बहुत ऑसम थी। पर जैक के करियर की दूसरी जॉम्बी फिल्म जहां फुल्ली उसका कंट्रोल था, वो एक डिजास्टर फिल्म थी नेटफ्लिक्स पे। मैं अभी भी कहूंगा साला गो गॉन
गॉन गोवा देख लो, लेकिन आर्मी ऑफ द डेड मत देखना। बात तो सही है, पर फिलहाल अभी जैक स्नाइडर रेबल मून नाम से अपना खुद का स्टार वॉर्स टाइप मूवी सागा बना रहे हैं नेटफ्लिक्स पर। तो मेरे दोस्त, नेटफ्लिक्स अभी स्नाइडर वर्स पे पैसे क्यों खर्च करेगा जबकि जैक स्नाइडर के साथ पहले ही उसके अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पर वहीं एक और चीज, सच सच बताऊं तो जिस तरह से नेटफ्लिक्स काम करता है ना, वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद ही स्नाइडर वर्स को कैंसिल कर देता। तो अगर वो स्नाइडर वर्स को खरीद भी लेता है तो क्या चांसेस है कि वो आगे जाके इसे कैंसिल नहीं करेगा? तो हाँ, मुझे बेन अफ्लेक और हेनरी केविल को देखना है एक साथ, पर सेल स्नाइडर वर्स टू नेटफ्लिक्स ये हैशटैग किसी काम का नहीं है इस समय तो। और हाँ, अगर तुम भी इस हैशटैग में सम्मिलित हो रहे हो तो पढ़ाई लिखाई करो बे, IAS OAS बनो, देश को संभालो। कुछ नहीं रखा इस हैशटैग में, अगर कुछ लिखना ही है तो कमेंट में लिख दो 50K फॉर मिस्टर बैप्टास्टिक।